डे वन मैं यहाँ स्पॉन हो चुका था एज अ विदर स्टॉर्म और मैं अपने आप में काफी ज्यादा पावरफुल फील कर रहा था। मेरे नीचे एक विलेज था और मैंने सोचा कि अब इस पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय करने का टाइम आ गया था, लेकिन उससे पहले मैं डिस्ट्रॉय करता यहाँ एक डॉक्टर आ गया था जो मुझे खत्म करने की बात कर रहा था। मुझे बहुत गुस्सा आया इसलिए मैंने अपनी लेजर का इस्तेमाल करके उसे डैमेज किया, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ, कोई असर नहीं हुआ, कोई डैमेज नहीं हुआ, इसलिए मुझे अभी के लिए इस विलेज से जाना पड़ा। डे टू मैं यहाँ पे दूसरे विलेज में आ चुका था और मैं इस पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय करने लग गया था। मैंने अपनी सारी पावर का इस्तेमाल करके इस पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय किया और यहाँ जितने भी विलेजेस हैं उन सभी का पावर अब्सॉर्ब किया। सभी को पावर अब्सॉर्ब करने से मेरी यहाँ पे जो हार्ट थी वो और भी इंक्रीज हो गई थी और मैं यहाँ पावरफुल बन चुका था। इसके बाद मैं यहाँ पे एक पिलेजो आउटपोस्ट के पास आ गया और अब मेरा भाई आ चुका था इस पिलेजो आउटपोस्ट को डिस्ट्रॉय करने का। मैंने अपने विदर स्कल का इस्तेमाल करके इस पूरे विलेज आउटपोस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया और तभी यहाँ पे पिलेजर की बहुत बड़ी आर्मी आ चुकी थी मुझे रोकने के लिए। वो मुझ पे लगातार एरो से शूट कर रहे थे, लेकिन तुम पैथेटिक मेरे सामने कीड़े के समान हो, इसलिए मैंने अपने यहाँ पे थंडर इस्तेमाल किया, उन सबको एक एक करके मार दिया। मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं पावरफुल बन चुका हूँ यहाँ पे। इसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ एक डेजर्ट विलेज के अंदर। ओ भाई अब डेजर्ट विलेज मजा आएगा, लेकिन इससे पहले मैं इस डेजर्ट विलेज को डिस्ट्रॉय करता मुझे यहाँ एक मॉन्स्टर दिख गया था जो पहले से इसे डिस्ट्रॉय करता। हे ये मेरा विलेज है। ओ भाई साहब, भाई ये विदर स्टॉर्म में मैं आपको बहुत बड़ा फैन हूँ, क्या मैं आपकी टीम में प्लीज आ सकता हूँ? ठीक है, हम मिलके इस पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और तुम मेरे टीम में जरूर आ सकते हो। उसने मुझे अपना नाम गोली बताया और इसके बाद हम दोनों मिलके इस पूरे डेजर्ट विलेज को डिस्ट्रॉय करने लग गए। मजा आ रहा है इस डिस्ट्रॉय करने में। इसके बाद हम दोनों ने काफ़ी ज़्यादा मज़ा किया और काफ़ी सारा मैंने यहाँ पे मॉब का पावर कलेक्ट किया। अगले दिन हम दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चल गए ताकि हम और भी ज़्यादा यहाँ पे डिस्ट्रक्शन कर सके। मुझे यहाँ पे एक फार्मर का फार्म मिल चुका था तो मैं सोचा अब इसे डिस्ट्रॉय करते हैं, लेकिन जब मैं इसे डिस्ट्रॉय करता था अचानक यहाँ पे स्नेक टाइप मॉन्स्टर आ चुका था जो कि काफ़ी अजीब था। मुझे डॉक्टर ने बनाया है तुम्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए और आज मैं तुम्हें खत्म करके रहूंगा विद द स्टॉर्म। तुम मुझे खत्म करोगे? तुम एक पैथेटिक एकदम क्रिएचर मुझे खत्म करोगे? मैंने अपनी पावर का इस्तेमाल किया और उसे खत्म करना शुरू कर दिया, लेकिन यहाँ पे मैं जितना उसे डैमेज दे रहा था वो और भी ज्यादा बढ़ते जा रहा था, लेकिन एट द एंड मैंने यहाँ पे अपनी लेजर और थंडर का दोनों का साथ में इस्तेमाल करके उसे फाइनली डिफीट कर दिया और यहाँ पे मेरे 5 हार्ट और भी ज्यादा इंक्रीज हो चुके थे। बहुत ज़्यादा मजा आया इस फाइट में। इसके बाद मैं यहाँ पर गोली के पास वापस आता हूँ जो कि मुझे बताता है कि डॉक्टर जो है बहुत ही खतरनाक प्लान कर रहा है। वो अपनी तरफ से एक आर्मी बना रहा है ताकि वो मुझे यानी विदर स्टॉर्म को ख़त्म कर सके। तो मैंने यहाँ पे गोली को बताया कि अब हमें भी अपनी एक आर्मी बनानी होगी मॉन्स्टर की, जिसमें हम काफ़ी अलग अलग मॉन्स्टर रखेंगे। तो मैंने उसे कहा कि गोली तुम जाके सभी मॉन्स्टर्स को लेके आओ और मैं यहाँ पे अपने लिए बेस बनाता हूँ। इसके बाद मैंने एक क्राफ्टिंग टेबल बनाया और उस क्राफ्टिंग टेबल की मदद से मैंने काफ़ी सारे स्टोन्स और टूल्स बना लिए और इसके बाद मैं अपने लिए घर बनाने के लिए जगह ढूंढने लग गया। मुझे यहाँ पे एक प्लेन्स मिल चुका था, लेकिन ये प्लेन्स खाली नहीं थी और यहाँ पे काफ़ी सारे पिक्स थे। मैंने सोचा कि इन पिक्स को ख़त्म करते हैं और अपनी भूख मिटाते हैं, तो मैंने अपने विदर स्कल का इस्तेमाल करके उन सभी पिक्स को मार दिया और फाइनली अब मैं यहाँ पे अपना बेस बनाने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे बेस बनाना चालू किया और क्योंकि मैं बहुत बड़ा था तो मैंने सोचा कि मेरा जो बेस होगा वो अंडरग्राउंड बनना चाहिए, तभी मैं उसके अंदर रह सकता हूँ। इसलिए मैंने अपनी लेजर पावर का इस्तेमाल करके यहाँ पे अंडरग्राउंड में बहुत बड़ा होल किया और यहाँ पे काफ़ी सारे मैंने कोल और स्टोन्स भी कलेक्ट कर लिए थे। मुझे लगता है इतना बड़ा बेस काफ़ी होगा। इसके बाद मैं यहाँ पे काफ़ी बड़ा बेस बना चुका था। इसके बाद मैं यहाँ पे आ चुका था जंगल में जहाँ पे मैं पूरी तरह से एक्सप्लोर कर रहा था, लेकिन तभी मैंने यहाँ पे डॉक्टर देखा जो यहाँ पे क्रीपर को मार रहा था। वेट अ मिनट, क्या वो यहाँ पे गन पाउडर कलेक्ट कर रहा है? मैंने यहाँ पे डॉक्टर को देख ही रहा था तभी डॉक्टर ने मुझे भी देख लिया था। फाइनली तुम मुझे मिल गए, मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूँ। तुम मुझे खत्म करोगे भूल जाओ। तभी यहाँ पे डॉक्टर ने एक अलग तरह का पोशन क्रीपर पे मारा और वो सारे क्रीपर जो यहाँ म्यूटेंट क्रीपर में बदल चुके थे। मैंने यहाँ पे डॉक्टर पे अपनी लेजर का इस्तेमाल करने का कोशिश किया, लेकिन फिर भी अभी डॉक्टर कुछ नहीं होता। डॉक्टर ऐसे क्या इस्तेमाल कर रहा कि मैं उसे नहीं मार पा रहा हूँ? और इसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारे म्यूटेंट क्रीपर ने मुझ पर अटैक करना शुरू कर दिया। मैंने यहाँ पे अपनी लेजर का इस्तेमाल किया, अपनी थंडर का इस्तेमाल किया, लेकिन वो म्यूटेंट क्रीपर और भी ज़्यादा पावरफुल हो रहे थे, इसलिए मैंने अपनी जो है अल्ट्रा लेजर का इस्तेमाल करके एक क्रीपर को मार दिया था और दूसरे अलग क्रीपर के लिए मेरे पास यहाँ पे टोर्नाडो पावर थी, तो मैंने अपनी टोर्नाडो पावर का इस्तेमाल किया और उसे काफ़ी ज़्यादा दूर फेंक दिया। अभी के लिए तो मैंने इन सभी क्रीपर्स को हरा दिया, लेकिन मुझे पता लगाना होगा कि डॉक्टर के पास ऐसी क्या पावर है कि मैं उसे मार नहीं पा रहा हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे स्नो बायोम के अंदर आ जाता हूँ और इसके अंदर मैं एक नया विलेज ढूंढ रहा था ताकि मैं और भी ज़्यादा पावर जो एसेंस को अब्सॉर्ब कर सकूँ और मेरी हार्ट इंक्रीज हो चुके। मुझे यहाँ पे कोई विलेज तो नहीं मिल रहा था, लेकिन काफ़ी सारे मॉब मिल चुके थे। ट्रैवल करते हुए मुझे एक घर मिल गया था जिसके अंदर प्लेयर्स थे। मैंने उन सबको डराने की कोशिश किया, लेकिन उनमें से एक प्लेयर यहाँ पे हेडफोन में गाने सुन रहे थे। वेल हेलो मेरे ब्रदर, कैसे हो तुम? ज़रा अपने फ़ोन तो उतारो। मैं तुम्हें अब्सॉर्ब करके तुम्हारे पावर ले लूँगा। और फाइनली अब मेरे यहाँ पे 50 हार्ट्स हो चुके थे टोटल में
और इन सब डिस्ट्रक्शन में मुझे मजा आ रहा था। शाम को मैं यहाँ पे जब अपने घर बेस की तरफ लौट रहा था तो मुझे काफ़ी सारी काउस मिल चुकी थी, तो मैं उस सब पे अटैक कर रहा था। लेकिन तभी यहाँ पे काउ की बहुत बड़ी आर्मी आ चुकी थी जो कि AK-47 लेके खड़ी थी। वेल, हम लोग को डॉक्टर ने क्राफ्ट किया तुम्हें खत्म करने के लिए। तुम गाय मुझे खत्म करोगे? मैंने यहाँ पे अपनी पावर का दोबारा से इस्तेमाल करना शुरू किया और एक एक करके उन सभी गाय को मारना शुरू कर दिया। यहाँ पे गाय जो है AK-47 से मुझ पर अटैक कर रही थी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि उसका मुझे बिल्कुल असर नहीं था। लेकिन वहाँ पे उन्होंने एक बुक गिरा दिया था जिसपे लिखा हुआ था चल छैया 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 चल छैया छैया छैया। मुझे कुछ समझ नहीं आई क्या है, इसलिए इसके बाद मैं अपनी बेस की तरफ निकल चुका था। बेस पर आते ही मैंने देखा कि गोली यहाँ पर आ चुका है और वो मुझे बता रहा था कि डॉक्टर जो है वो बहुत ही खतरनाक चीज़ क्राफ्ट कर रहा है। मैंने सोचा कि ऐसा क्या चीज़ है, तो उसने बताया कि वो इस बार में रिसर्च कर रहा है। मैंने उससे कहा कि तुम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस रिसर्च को कम्प्लीट करो ताकि हम पता लगा सके और ताकि हम डॉक्टर को रोक सके हमें ख़त्म करने के लिए, क्योंकि इस पूरे वर्ल्ड में हमें राज करना है। यहाँ पे गोली ने बताया कि वो ऐसे ही करेगा और रिसर्च जारी रखेगा। इसके बाद मैं अपना बेस थोड़ा और बड़ा बनाने लग गया क्योंकि मुझे और भी यहाँ पे आर्मी चाहिए थी। यहाँ पे मैंने काफ़ी सारा आयरन और गोल्ड कलेक्ट करना शुरू किया। तभी यहाँ पे जो गोली है और नया आर्मी से लेके आ चुका था, लेकिन यहाँ पे जो सूरा आया था वो मेरी यहाँ पे बिल्कुल इज्जत नहीं कर रहा था। तुम्हें लगता है कि ये हमारा मॉन्स्टर बॉस बन सकता है? मुझे अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए मैंने अपना यहाँ पे ठंड का इस्तेमाल करके उस सुअर को मार दिया था और उसकी जितनी भी आर्मी थी मैंने उनसे पूछा तुम लोगों को कोई शक है तो बता दो। इसके बाद उसकी आर्मी जो थी अब मेरे लिए गुलाम बन चुकी थी। मैंने उन सबको अपनी बेस पे जो है इकट्ठा कर लिया। इसके बाद मैं यहाँ पे निकल चुका था स्केलेटन के विलेज में जहाँ पे चारों तरफ स्केलेटन ही थे और अब मुझे इनके विलेज को डिस्ट्रॉय करके इनका पावर अब्सॉर्ब करना था। हाँ, मुझे इनका जो स्केलेटन देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। मैंने एक एक करके उनके सारे के सारे स्केलेटन को डिस्ट्रॉय कर दिया और यहाँ पे अब मैं और भी ज़्यादा पावरफुल बन चुका था। ये पावर बहुत ही ज़्यादा अलग है, मैं अपने आप में एक अलग ही पावर महसूस कर रहा हूँ और यहाँ पे मेरे हार्ट इंक्रीज़ हो चुके थे। इसके बाद मैं अपने बेस वापस आता हूँ और मुझे कुछ यहाँ पे मिसिंग लग रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे और भी ज़्यादा माइनिंग करना शुरू किया और माइनिंग करते हुए मुझे यहाँ पे जो है डायमंड मिल चुका था। तो यहाँ पे मैंने डायमंड को माइन किया और यहाँ पे मैंने अपने लिए एक डायमंड का पिकैक्स क्राफ्ट कर लिया। इसके बाद मैंने यहाँ पे लावा को क्राफ्ट करते हुए अपना ऑब्सीडियन क्राफ्ट किया और उसे माइन करके मैं यहाँ पे नेदर पोर्टल बनाया। इसके बाद फाइनली अब मैं नेदर में जाने वाला था और यहाँ नेदर में आते ही मेरे सामने काफ़ी अलग अलग तरह के ब्लॉक्स थे, तो मैंने उन सभी ब्लॉक्स को कलेक्ट करना शुरू कर दिया अपनी टॉर्नेडो पावर का इस्तेमाल करके। और यहाँ पे फाइनली अपने बेस पे वापस आके मैंने यहाँ पे थोड़ा सा और इसे जो अच्छा बनाने की कोशिश किया। मैंने यहाँ पे जितने भी नेदर रखे उन सबको लगाया और साइड बाउंड्री में लगाया ताकि ये थोड़ा सा और इजी पावर दे पाए। एंड फाइनली अब मेरा बेस थोड़ा और ज़्यादा बेटर लग रहा था। मुझे लगता है मुझे और भी कुछ इसमें ऐड करना चाहिए। इसके बाद मैं यहाँ पे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाता हूँ, लेकिन एक्सप्लोर करते करते मुझे यहाँ पे जो है एक यहाँ दोबारा से चिकन की आर्मी दिख गई थी जो कि फिर से यहाँ पे स्नाइपर लेके खड़ी थी। वो सब मुझे ख़त्म करने आई थी क्योंकि वो कहती कि उन्हें डॉक्टर ने क्राफ्ट किया है। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे ख़त्म कर सकते हो? यो चिकन की आर्मी, आज लगता है मेरा चिकन दावत होने वाला है। मैंने यहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल किया उन सबको ख़त्म करने की कोशिश किया, लेकिन वो सब जो है बिल्कुल भी डैमेज नहीं ले रही थी। मैं हैरान था कि आखिर मेरी पावर उन पे काम क्यों नहीं कर रही है। उन सब ने स्नाइपर का इस्तेमाल कर मुझ पर अटैक करना शुरू कर दिया और मुझे बहुत ही ज़्यादा डैमेज मिल रहा था। मैं उन्हें बिल्कुल डैमेज नहीं दे पा रहा था, इसलिए मुझे आज चिकन पार्टी नहीं करनी थी और मैं अपने आपको बचा के यहाँ से चला गया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि आखिर डॉक्टर ऐसा क्या क्राफ्ट कर रहा है कि मैं उन सबको नहीं मार पा रहा हूँ। इस बारे में मैंने जब यहाँ पर आके गोली से पूछा तो गोली ने बताया कि वो इस बारे में रिसर्च कर रहा है और वो उसने आधा पता लगा लिया है कि उस एक फैक्ट्री है जहाँ पर वो जो है इम्यून क्रिस्टल क्राफ्ट करते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे एक विलेज के अंदर आ जाता हूँ और अब इस विलेज को डिस्ट्रॉय करने का बारी आ गया था जो कि आइस विलेज था। मैं इस पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय करने ही जा रहा था, लेकिन तभी एक विलेजर आके यहाँ पे मुझे बताता है वो काफी ज्यादा खुश हो चुका है। वाओ, मैं बहुत खुश हूँ, तुम हमारे विलेज को डिस्ट्रॉय कर दो प्लीज, ये मजा आ रहा है, मरो। मैं यहाँ पे हैरान था कि वो मुझसे डर नहीं रहे थे और भाई उल्टा वो मेरा मजा ले रहे थे और भाई काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैंने उनके पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय कर दिया और उन सभी को अब्सॉर्ब कर लिया और फाइनली अब मेरे यहाँ पे 100 हार्ट हो चुके थे। इसके बाद मैं यहाँ पे वापस से अपने बेस पर आता हूँ और यहाँ पे वापस आने के बाद मैंने यहाँ पे देखा कि डॉक्टर मेरे रास्ते में खड़ा था। डॉक्टर मुझे बता रहा था कि वो इस बार मुझे छोड़ने वाला नहीं है और वो इस बार मुझे ज़रूर ख़त्म करके रहेगा। तुम्हें लगता है तुम इस बार ख़त्म करोगे? मैंने अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस पर अटैक करना शुरू कर दिया और फाइनली अब मैंने मुझे लगता है कि मैंने उसे मार दिया है। लेकिन तभी मैंने डॉक्टर को देखा जो कि बिल्कुल डैमेज फील यहाँ पे खड़ा था और उसने अचानक से मुझ पर एक एरो शूट कर दिया। उस एरो की वजह से मैं यहाँ पे नॉर्मल वेदर में क्राफ्ट हो चुका था। ये क्या कर दिया डॉक्टर ने?
अब मुझे अपने आप को बचाना था, इसलिए मैं अभी यहाँ से अपने आप को बचाते हुए यहाँ से डॉक्टर के पास से दूर चला गया। डॉक्टर, तुम्हें इस चीज़ का भुगतना पड़ेगा, इसलिए मुझे यहाँ से जाना पड़ा। वेल, अब मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा में आ चुका था, इसलिए मैंने यहाँ पे चारों तरफ डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया। मुझे यहाँ पे जो भी चीज़ देखे थे मैंने उस सबको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। डॉक्टर, तुमने मेरा असली रूप मुझसे छीन लिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। डिस्ट्रक्शन इतना ज़्यादा मैंने कर दिया था कि फाइनली मैंने यहाँ पे 3 हाथ जो है वो गेन कर लिया था। लेकिन तभी यहाँ पे एक ब्लेज म्यूटेंट मॉब आ चुका था जिसे डॉक्टर ने क्राफ्ट किया था। मैं तुम्हें आज खत्म करके रहूंगा और डॉक्टर को खुश करके रहूंगा। तुम मुझे रोकोगे ब्लेज? हम दोनों के बीच यहाँ पे फाइट शुरू होने वाली थी और हम दोनों के बीच यहाँ पे फाइट बहुत तगड़ी शुरू हो चुकी थी। मैंने उस पर काफ़ी ज़्यादा अटैक किया जितने मेरे पावर थे। वो मुझे हरा पा रहा था क्योंकि मैं अभी वीक था, लेकिन मैंने भी अपनी लेजर का इस्तेमाल करके फाइनली उसे डिफीट कर दिया। डॉक्टर, तुम्हें क्या लगता है मैं बड़ा नहीं हो सकता? इतनी ज़्यादा फाइट और डिस्ट्रक्शन कर गया तो फाइनली मैं अपने असली रूप में दोबारा आ चुका था। डॉक्टर, तुम्हें क्या लगता है तुम एक तीर से मुझे रोक सकते हो? इस पूरी दुनिया में मैं राज करके रहूँगा। और अब यहाँ पे मेरे हार्ट जो थे वो 150 हो चुके थे। इसके बाद मैं और भी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करने निकल चुका था, लेकिन यहाँ पे रास्ते में मैंने अपने बेस वापस आया और मैंने देखा कि मेरा स्ट्रक्चर अभी तक बन के रेडी है। जल्द से जल्द मेरा स्ट्रक्चर तैयार करो वरना मैं तुम सबको ख़त्म कर देने वाला हूँ। इसके बाद मैं अपने बेस पर आता हूँ जहाँ पे मुझे जो एक गोली बताती कि उसने अपना रिसर्च पूरा कर लिया है और उसे पता चल गया है। लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पे कुछ ब्रेड क्राफ्ट करने थे, तो मैंने यहाँ पे कुछ शिप्स को मार के ब्रेड क्राफ्ट किए ताकि मेरी सारी की सारी आर्मी सो सके और अपनी पावर गेन कर सके। इसके बाद मैं यहाँ देखता हूँ कि एक पूरा का पूरा प्लेजर आर्मी यहाँ पे आती है और जो बताती कि वो मेरा ग्रुप ज्वाइन करना चाहती है। इसलिए मैंने उन सब के लिए एक अलग रूम बनाया और ग्रुप दे दिया, उन्हें ज्वाइन करा दिया। यहाँ पे तभी गोली ने बताता है कि गोली ने उस चीज़ का पता लगा लिया है, उस फैक्ट्री का जहाँ पे जो है इम्यून क्रिस्टल क्राफ्ट होता है। मैंने कहा शाबाश गोली। इसके बाद मैं यहाँ से चल गया था उस फैक्ट्री में जहाँ पे इम्यून क्रिस्टल क्राफ्ट होता है, जिसकी वजह से डॉक्टर बहुत ही पावरफुल है और वो चिकन्स भी बहुत पावरफुल है। इस फैक्ट्री के अंदर काफ़ी सारे जो है इम्यून क्रिस्टल क्राफ्ट रहते हैं और मैंने इसे डिस्ट्रॉय करने का सोच लिया था। मैं इसे डिस्ट्रॉय करने वाला था, लेकिन तभी यहाँ पे 2 ऑफिसर आ जाते हैं जिनके पास यहाँ पे जो इम्यून क्रिस्टल था और वो मुझे रोकना चाहते थे। मैंने यहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल किया, लेकिन मैंने नोटिस किया कि उनके पास क्योंकि इम्यून क्रिस्टल है इसलिए मेरी पावर काम नहीं करेगी। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए जो है डायमंड स्वॉर्ड निकाला और डायमंड स्वॉर्ड से उन पर अटैक करना शुरू किया और ऐसे अटैक किया कि उनका जो इम्यून क्रिस्टल है वो गिर चुका था। अब कौन बचाएगा? और फाइनली मैंने अपनी पावर का इस्तेमाल करके उन दोनों को मार दिया। अब बारी आ चुका है इस पूरे के पूरे फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय करने का और उस इम्यून क्रिस्टल को भी। मैंने यहाँ पे अपनी पूरी ब्लैक होल का पावर इस्तेमाल करके इस पूरे फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया और यहाँ पे जितने भी इम्यून क्रिस्टल है सब खत्म हो गए। अब देखता हूँ वो डॉक्टर कैसे मेरी पावर को रोक पाएगा। इसके बाद मैं यहाँ पे वापस जा रहा था और अब मेरी बारी आ चुकी थी उन चिकन से अपना बदला लेने के लिए। मुझे यहाँ पे वो चिकन मिल चुके थे। आज तो मैं चिकन पार्टी करके रहूंगा और KFC में दबा के चिकन खाऊंगा। तुम्हारी ये गलत फहमी है क्योंकि हम इम्यून है तुम्हारे पावर के। वेल, तुम्हें सच में ऐसा लगता है? तो ये देखो। लगता है कि आज हमारी दावत बनने वाली है, चिकन फ्राई जरूर बन जाएगा, भागो। अब तो छोड़ने वाला नहीं हो तुम लोग को। ये रहा मेरा पावर, आज तो तुम सबको मार के रहूंगा। मैंने यहाँ पे अपनी लेजर पावर का इस्तेमाल कर दिया और एक एक करके उन सभी चिकन को खत्म कर दिया। चिकन फ्राई खाने में मजा आ गया और यहाँ पे मेरे 158 हार्ट हो चुके थे। इसके बाद मैं अपने बेस वापस आता हूँ, देखता हूँ कि वहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर में काम नहीं कर रहा है। मैं आके यहाँ पे गोली से पूछता हूँ तो गोली बताता है कि यहाँ पे कोई भी मेरी बात नहीं मानना चाहता क्योंकि मैं उन सब पे जो है एक अलग तरह का धौंस जमाता हूँ। इसलिए उसने मुझे बताया कि मुझे सबको यकीन दिलाऊंगा कि वो मेरी फैमिली है। इसके बाद मैंने सभी आर्मीज को बुलाया और उन सबको बताया कि चुपचाप जाके अपना काम करो वरना मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। लेकिन गोली ने मुझे कहा कि प्यार से मुझे बात करना होगा, इसलिए मैंने उन सबको समझाया कि हम एक फैमिली है और मैं तुम्हारा एक तरह का लीडर नहीं, तुम्हारा दोस्त हूँ। तुम सबको जाके काम करना चाहिए नहीं तो खत्म हो जाओगे। वाओ, तुम हमारे दोस्त हो? बिल्कुल दोस्त। तो इसके बाद यहाँ पे जो गोली काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था मेरे भाषण से और उसने मुझे बताया कि मुझे अब जाना होगा। इसलिए मैं यहाँ पे निकल चुका था और अब मैं यहाँ पे जो है और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करता था अपनी पावर बढ़ाने का। लेकिन तभी मैंने रास्ते में डॉक्टर को देखा जो कि यहाँ पे एक TNT टेस्ट कर रहा था। मैंने सोचा कि आखिर ये डॉक्टर कर क्या रहा है इस TNT से। उसने यहाँ पे TNT को लाइट अप किया और यहाँ से भाग गया। मैं उस TNT को देख ही रहा था और देखा कि इस TNT में बहुत बड़ा ब्लास्ट कर दिया। वेल, डॉक्टर को लगता है कि वो मुझे इस TNT से रोक सकता है। मैं खुद में एक जीता जाता TNT हूँ जो इस पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। डॉक्टर, तुम्हारी बारी जल्दी आई। इसके बाद मैं यहाँ पे निकल जाता हूँ और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए वर्ल्ड को और मैं यहाँ पे एक्सप्लोर करते करते एक सिटी के अंदर आ चुका था। वाह, मुझे पता भी नहीं था कि माइनक्राफ्ट में एक सिटी भी है। तो अभी शहर को डिस्ट्रॉय करने का टाइम आ चुका था। मैं इस शहर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने लग गया था। सारे विलेजेस मुझसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर रहे थे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी कल तक TV में यहाँ पे एक विदर स्टॉर्म जो है हमारे शहर में आके जो है पूरी तरह से हंगामा मचा रहा है और उसने सबको खत्म कर दिया है। मुझे लगता है कि इसे सिर्फ एक ही मैन हरा सकता है, वो आयरन मैन है। वाओ,
एक न्यूज रिपोर्टर। मम्मा मैं फेमस हो चुका हूँ, देखो मुझे। हाय मम्मी। वेल, यहाँ पे हमारा जो वेदर वो हमें हाई कर रहा है और हमारी कैमरे को भी हाई कर रहा है, तो तुम लोग भी हाई कर दो और इंस्टाग्राम पे रील्स जाके इसका जरूर बनाना। वेल कैमरा मैन, तुम्हारी बकवास यहीं खत्म हुई और इसे भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इन सभी को डिस्ट्रॉय करने के बाद मेरी हार्ट जो है 180 हो चुकी थी और मैं और भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका था। लेकिन अगले दिन मुझे यहाँ पे एक सपना आता है, जहाँ पे मैं सपने में देखता हूँ कि डॉक्टर जो है उसने मुझे यहाँ पे क्राफ्ट किया है। मतलब कि मैं एक ओरिजिनल मॉन्स्टर नहीं हूँ, डॉक्टर ने मुझे क्राफ्ट किया है और उसने मुझे क्राफ्ट इसलिए किया था ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूँ। लेकिन उसकी क्राफ्टिंग में कुछ जो है मिस्टेक हो चुकी थी, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे मॉन्स्टर बन चुका था और अब वो मुझे ख़त्म करना चाहता है। ओह, बहुत ही बुरा सपना है ये मुझे लगता है, और मुझे ये सपना नहीं देखना चाहिए था। इसके बाद मैं यहाँ पे जो है एंड के अंदर आ जाता हूँ, और यहाँ पे मैं यहाँ पे एंडेड ड्रैगन को ख़त्म करने आया था, जो अपने आप को बॉस मानता था इस पूरा वर्ल्ड का, और इसकी वो सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि अब मैं बॉस हूँ। मैंने यहाँ पे अपनी यहाँ पे थंडर का पावर इस्तेमाल करके उसके सारे के सारे एंड क्रिस्टल डिस्ट्रॉय कर दिया और अपनी एक ही शॉट में एंडेड ड्रैगन को भी ख़त्म कर दिया, और अब फाइनली इस पूरे वर्ल्ड में सबसे ताकतवर बॉस मैं बचा हूँ। इसके बाद मैं अपने बेस वापस आता हूँ, और मैंने यहाँ पे बेस पे देखा कि मेरा स्ट्रक्चर तैयार हो चुका था, जो कि मेरा सिंहासन था और ये गोल का बना था। इसके बाद मैं यहाँ पे सिटी में वापस आ जाता हूँ और सिटी को डिस्ट्रॉय करने लगता हूँ। यहाँ पे मैंने अपनी और भी ज़्यादा पावर इंक्रीज़ कर लिया और फाइनली अब मेरा यहाँ पे 200 हार्ट्स हो चुके थे और मैं बहुत पावरफुल था। जब मैं यहाँ बेस पे वापस आया तो मुझे यहाँ कोई भी आर्मी वाला नहीं दिख रहा था। मैंने गोली से पूछा कि सब कहाँ चले गए, तो उसने बताया कि सब ने मेरा साथ छोड़ दिया है क्योंकि मैं उनके साथ बिल्कुल अच्छा बर्ताव नहीं करता था और अब वो मेरे साथ बिल्कुल काम नहीं करने वाले। मुझे ये सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि आखिर वो मुझे धोखा कैसे दे सकते हैं। मैं उन सबको ख़त्म कर दूंगा, इसलिए मैं यहाँ पर निकल गया उन सबको ढूंढने में। मुझे रास्ते में उन सब मिल चुके थे। वेल गाइज, तुम सब ने मुझे धोखा देके बिल्कुल ठीक नहीं किया, अब तुम सबको इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी, बराबर भुगतनी पड़ेगी। मैंने यहाँ पे अपनी लेज़र का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और उन सबको एक एक करके ख़त्म करने का डिसाइड कर लिया। मैंने यहाँ पे उन सबको अपनी बीम के इस्तेमाल से ख़त्म कर दिया। मुझे अकेले ही काम करना होगा इस पूरे वर्ल्ड के लिए। मैंने यहाँ पे पूरी तरह से चारों तरफ डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया, पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर रहा था। तभी मेरे पीछे मुझे आवाज़ आती है, जो यहाँ पे गोली थी उसने बताया कि उसने पता लगा लिया कि आखिर डॉक्टर को पावर कहाँ से मिलती है। तो तुम मुझे पहले नहीं बता सकती थी, पहले बताना चाहिए था ना। यहाँ पे गोली जो है वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है और कहता है कि आज के वक्त वो मेरे साथ बिल्कुल काम नहीं करने वाला, और वो मुझे यहाँ पे मैप देता है उस लोकेशन का जहाँ पे डॉक्टर का जो है आर्टिटेक्ट रखा होता है, जिससे उसे पावर मिलती है। और अब वो कहता है कि अब वो यहाँ से हमेशा के लिए जा रहा है। अब मैं बिल्कुल पूरी तरह से अकेले हो चुका था, मुझे भी कोई नहीं चाहिए। इसके बाद मैं उस जगह पे आ जाता हूँ जहाँ पे मुझे एक बहुत बड़ा बीकन मिलता है, जिससे डॉक्टर को पावर मिल रही थी, और यहाँ पे काफ़ी सारी आर्मीज भी खड़ी थी। मैंने उन सभी आर्मीज पे एक एक करके अटैक करना शुरू कर दिया, लेकिन वो सभी आर्मीज भी मुझ पर अटैक कर रही थी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था, मैं उनसे ज़्यादा ताकतवर था। मैं उन सबको एक एक करके मार दिया था, लेकिन तभी यहाँ पे जो चिकन्स और काउ की आर्मी आ चुकी थी, जो कि मुझ पर अटैक करना शुरू कर दी थी। मैंने इन सबको भी एक एक करके ख़त्म कर दिया, और ये मेरे लिए कोई भी ज़्यादा मुश्किल नहीं थी, मैंने उन सबको ख़त्म कर दिया। लेकिन तभी यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े जो है म्यूटेंट ज़ॉम्बीज आ चुके थे, जो कि मुझसे काफ़ी अच्छा टक्कर ले रहे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि मुझसे टक्कर लेना यानी मौत को दावत देना के बराबर था। मैंने उन सबको एक एक करके ख़त्म कर दिया, और फाइनली अब बारी आ चुका था उस बीकन को ख़त्म करने का, जिससे डॉक्टर को पावर मिलती है। अब मैंने बीकन ख़त्म कर दिया है तो मैं डॉक्टर को आसानी से मार सकता हूँ। डे 100 अब मैं आ चुका था डॉक्टर को बुलाने के लिए, लेकिन मैंने देखा कि डॉक्टर एक पावर रेंजर का बहुत बड़े रोबोट के अंदर था और वो उससे मुझसे डिफीट करने आया हुआ था। वेल, मैंने भी कहा कि आ जाओ एक एक हाथ कर लेते हैं। हम दोनों ने यहाँ पे बहुत तगड़ी फाइट शुरू हो गई। वो मुझे बहुत ही ज़्यादा डैमेज दे रहा था क्योंकि उसका जो यहाँ पे रोबोट था बहुत पावरफुल था, लेकिन मैं भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। मैंने यहाँ पे जो है उस पर काफ़ी ज़्यादा अपने लेजर से अटैक कर दिया, और बीच से अटैक करते हुए मैंने उसे यहाँ फाइनली ख़त्म कर दिया था। तो डॉक्टर, अब तुम मरने वाले हो, तो तुम अपनी हार मान सकते हो। लेकिन डॉक्टर यहाँ पे हारा नहीं था, उसने अचानक से यहाँ पे बहुत ही बड़ा मेगा TNT लगाया और उसे यहाँ पे लैंड करके यहाँ से वो भाग चुका था, और फाइनली वो ब्लास्ट हो गया। नहीं, मैं नहीं हार सकता, और यहाँ पे बुराई का एंड हो चुका था और यहाँ पे अच्छाई जीत गई।